विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर विनय कुमार सक्सेना ने मीडिया से रूबरू होने के दौरान कहा कि वे एलजी की तरह नहीं बल्कि लोकल गार्जियन की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा कि वे राजनिवास में नहीं बल्कि सड़कों पर ज्यादा रहेंगे, वायु प्रदूषण कम करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में काफी खून भी बहा है, दंगे भी हुए हैं। मेरा कहना है कि सभी धर्मों के लोग एक हैं, आपस में मिलजुल कर रहिए। मेरा सपना है कि दिल्ली को सिटी ऑफ जॉय बनाओ। यहाँ पर बहुत बड़ा तबका असंगठित क्षेत्र के लिए काम करता है, उनकी बेहतरी के लिए भी मैं काम आ सकूं, यही मेरी एक सोच है। इससे पहले बुधवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजनिवास में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सांसद मनोज तिवारी, कई अन्य मंत्री और बड़ी संख्या में नौकरशाह भी मौजूद दिखे थे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।